देहरादून के एक होटल में हिंदी फीचर फिल्म धागे का पोस्टर और ट्रेलर रिलीज किया गया। ये फिल्म उत्तराखंड में ही शूट हुई है और उत्तराखंडी परिवेश को भी फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। धागे फिल्म के प्रोड्यूसर सोहन उनियाल हैं। ये फिल्म 16 सितंबर को पूरे भारत में रिलीज हो रही है। फिल्म में उत्तराखंड के पलायन को भी दर्शाया गया है। फिल्म प्रोड्यूसर सोहन उनियाल भी स्वयं फिल्म में एक विधायक का रोल निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उत्तराखंड फिल्म एवं गीत संगीत जगत की सभी हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण, लोक गायिका मीना राणा, संगीता ढोंडियाल, अनिशा रांगड़, घनानंद, बलदेव राणा, गजेंद्र राणा, पन्नू गुसाई, अशोक चौहान, देबू रावत, रोहित चौहान, मिनी उनियाल, धूम सिंह रावत, धनराज शौर्य, संजय कुमोला, राज टाइगर, वी कपूर, संजय भंडारी, दुर्गा सागर, संगीता सेमवाल, राजेश जोशी, प्रशांत, अरुण फरासी, ओम तरोनी, दीपक सजवान, सतीश रोशन, पुरुषोत्तम जेठुड़ी, अजय भारती, विजय भारती, आकाश नेगी, विकास उनियाल, युद्धवीर नेगी, नागेंद्र प्रसाद, सीमा भारती, आकांक्षा नेगी, सोनिया बडोनी, दिया उनियाल, गीता उनियाल, दिव्या नेगी, शिवानी भंडारी आदि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर सोहन उनियाल ने कहा कि उनकी कोशिश है कि फिल्म के जरिए उत्तराखंड की खूबसूरती और पलायन को बड़े पर्दे पर दिखाया जा सके। मैसेज ये पहुंचेगा कि मैं भी उत्तराखंड से हूं और पलायन का दर्द है, और पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है जो उत्तराखंड की में हिंदी फिल्म बनी है, इसमें पहला गाना मैंने गढ़वाली रखा, क्योंकि मैं खुद गढ़वाल से हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि एक हिंदी फिल्म में पहला गढ़वाली गाना, और मैंने अपने कल्चर को भी इसमें रखा है, अपना पहनावा, अपनी बोली, अपनी भाषा, और सारा शूट हमारा उत्तराखंड में हुआ है। इसका बजट का तो मैं अभी कहूँगा नहीं, बजट तो बहुत आगे चला गया, वो बजट की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म बनी है ठीक ठाक बजट में, और सारे नए कलाकारों को मैंने मौका दिया, क्योंकि नए कलाकारों को आज के टाइम पे कोई मौका नहीं देता। सोन उनियाल SNN फिल्म्स के माध्यम से मैं प्रोड्यूसर हूँ, जो पहली पिक्चर में मैंने इन सबको मौका दिया, और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 16 सितंबर को आप भी प्लीज़ पूरा उत्तराखंड क्या पूरा भारत देखे, और बॉम्बे में उत्तराखंड का डंका बजे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। नए उत्तराखंड नंबर वन है बॉलीवुड सिनेमा के, लगा लो अमिताभ बच्चन जी हूँ, ये अक्षय कुमार जी हूँ, शाहिद कपूर जी हूँ, उत्तराखंड आ रहे हैं राजकुमार ईरानी जी, काफ़ी यहाँ पे फिल्में बन रही है, और उत्तराखंड इस समय नंबर वन है। रजनीकांत सर साउथ से यहाँ आ रहे हैं, तो यार हम तो उत्तराखंड, हम तो उत्तराखंड में प्रमोट करेंगे ना अपनी पिक्चर को, तो हम तो उत्तराखंड के, हम उत्तराखंड में काम करेंगे। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के वरिष्ठ लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण और मीना राणा ने भी फिल्म के ट्रेलर की प्रशंसा करते हुए लोगों से अपील की कि वो फिल्म को जरूर देखें। हाँ, ये सोहन उनियाल जी ने जो ये फिल्म बनाई है धागे, और ये SNN बैनर पर इन्होंने एक हिंदी फिल्म का निर्माण किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमने उनियाल जी को दी हैं, और उम्मीद की है कि भविष्य में वो फिल्म इंडस्ट्री में और बेहतरीन फिल्में लेके आएंगे। और ये भी हमने उनसे अनुरोध किया है कि अब आगे वो रीजनल फिल्म गढ़वाली कुमाऊँनी में भी बनाने के प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ उत्तराखंड के जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी हैं, कलाकार हैं, उनको अवसर मिले, मौका मिले अपने टैलेंट को दिखाने का। ये अच्छा प्रयास है और ये बहुत अच्छी बात है। ये पहाड़ के प्रोड्यूसर हिंदी फिल्म का निर्माण इन्होंने करा है, सोहन उनियाल जी ने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो बस उनसे ये हम अपेक्षा जरूर रखेंगे कि वो पहाड़ की भी फिल्म बनाए और पहाड़ की भाषा पर फिल्म बनाए। बहुत खुशी हुई है आज जो हमारे उत्तराखंड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो सोहन उनियाल जी, उनके द्वारा ये पिक्चर बनाई गई है हिंदी पिक्चर धागे, और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो अपने उत्तराखंड के हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। हमने जो अभी यहाँ पर ट्रेलर देखा उससे वो हमें बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें कि ये फिल्म SNN फिल्म्स और मैडी फिल्म्स के बैनर तले बनी है। फिल्म के निर्देशक अंकुर मान हैं, फिल्म प्रोड्यूसर सोहन उनियाल और सरिता सिरोही हैं। फिल्म की कहानी कमल एस नयाल ने लिखी है, म्यूजिक संधू एस तिवारी, एडिट संजय संकल्प, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अशोक चौहान। इस फिल्म की कास्टिंग में निखिल चौधरी, स्वाति नेगी, विदुषी मंडुली, अंशुल त्रिवेदी और सोहन उनियाल नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक जी म्यूजिक कंपनी पर है। वहीं इस दौरान उत्तराखंड फिल्म एवं संगीत जगत के लोगों ने फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते हुए सभी लोगों से फिल्म को देखने की अपील की। फिल्म 16 सितंबर को पूरे देश में रिलीज होगी।
फिल्म जो है ना 16 तारीख को लग रही है और हमारे ये जो गढ़वाली हैं वो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हिंदी फिल्म बनाई है और हम लोगों का ये कर्तव्य है कि एक गढ़वाली आदमी को, उत्तराखंडी आदमी को, उसके जो प्रोड्यूसर है उसने किस तरह से फिल्म बनाई है। हिंदी पिक्चर बनाई है लेकिन अपने पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने पिक्चर बनाई है, सरकार भी उनको छूट देगी और हमको भीड़ भड़क के साथ जाना है। तो जाना ऐसा है, हमारी ऐसी गढ़वाली पिक्चरें भी बहुत बनी थी, कुमाऊनी पिक्चर, गढ़वाली पिक्चर, लेकिन सिनेमा हॉल वालों ने नहीं लगाई हो। तो जब कोई भी फीचर फिल्में क्षेत्रीय भाषा की सिनेमा हॉल में लगेंगी नहीं तो ख़त्म हो जाएगी पिक्चरें, कैसे कमाएगा आदमी? जो पैसा लगाया है वो ख़त्म है, कलाकारों को काम नहीं मिलेगा, कुछ कलाकारों को यही काम है, उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो अब मेरा निवेदन है, अब सारे लोग और खैर सरकार भी कर रही है इस मामले में, लेकिन अब हमको बहुत स्ट्रिक्टली सारे सिनेमा वालों को बोलना पड़ेगा कि आपको क्षेत्रीय भाषा की फिल्में लगानी ही लगानी है, चाहे कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो या जो सारी फिल्म हो। जब वो लगेंगे हर थिएटर में तब कुछ ना कुछ उसका पैसा आएगा, कलाकारों को काम मिलेगा और उससे हमारी संस्कृति आगे जाएगी। बिल्कुल, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मिस्टर उनियाल जी के लिए, जिन्होंने एक बहुत अच्छी कोशिश की है फिल्म धागे में, क्योंकि 90% शूटिंग इसकी उत्तराखंड की सुंदर वादियों में फिल्माया गया है इसको फिल्म को, और इसमें काफ़ी कलाकार उत्तराखंड से भी हैं। पलायन के विषय में है फिल्म और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक गढ़वाली सॉन्ग भी रखा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसे प्रोड्यूसर को जिंदा रखना ये हम सभी कलाकारों का फ़र्ज बनता है, ताकि वो आने वाले समय में उत्तराखंड की बोली भाषा के ऊपर भी फिल्म बनाए जिसमें हमारे सभी कलाकारों को उसमें काम भी मिलेगा और आगे फिल्में बनते भी रहेंगी। 16 सितंबर से आपके शहर देहरादून में फिल्म लगने जा रही है धागे, सभी लोग जा रहे हैं दोस्तों, आप पीछे मत रहना, आप भी चलो सबसे आगे। थैंक यू। देखो मेरे को बहुत खुशी है, जो है आज एक बंदा जो हमारे उत्तराखंड का जो बंदा है उसने जो है हिंदी फिल्म में जो कदम रखा है, सोहन उनियाल भाई, और जो है वो इसके प्रोड्यूसर हैं, सारा पैसा जो है फिल्म में उन्होंने लगाया है, तो ये हमारे लिए जो खुशी की बात होनी चाहिए। और ये पहली बार ये हुआ है कि किसी व्यक्ति ने कदम रखा है, तो मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, गढ़वाल से हो गए, कुमाऊं से हो गए और जौनसार से हो गए, या देश विदेश में जो भी उत्तराखंडी लोग रह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो है किसी व्यक्ति ने आज जो है ऐसा स्टेप उठाया तो हमारा एक फ़र्ज बनता, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है उस बंदे की हेल्प करें और इस फिल्म को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेके जाएं, क्योंकि ये जो अच्छी कमाई कर सके। और कल के दिन में भाई ने जो ये भी बोला सोहन भाई ने कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप लोगों के लिए खड़ा हूँ और मैं गढ़वाल की इंडस्ट्रीज़ को भी जो है मैं बहुत ऊपर तक ले जाऊँगा, ये मेरा जो है आप लोगों से वादा है। बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले तो मैं सोनू उनियाल जी को बधाई देना चाहूँगी कि इतनी सुंदर फिल्म उन्होंने बनाई है, क्योंकि फिल्म भले ही हिंदी में है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो गढ़वाली में है, उसका परिवेश जो है सब पहाड़ी में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई हमारे उत्तराखंड का कोई निर्माता है जो बॉलीवुड में अपना डंका बजा रहे हैं। और टीज़र देखकर लगा कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है और आगे बस लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के सम्मान की बात होगी। सबसे पहले तो संवाद 65 का सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। भाई बंधु, SNN फिल्म्स एक बहुत बड़ी पहल छ और धागे फिल्म जो कि शुरुआत होनी चाहिए आज, और सोहन उनियाल जी जगह निर्माता छन, और मैं सभी मीडिया के माध्यम से, चैनल का माध्यम से मैं अनुरोध करूँ छूँ उत्तराखंडी लोगों थे कि फिल्म से प्रमोट करा और फिल्म देखने को जरूर आ जाए यहाँ 16 सितंबर को। बहुत अच्छी बात है और मैं बधाई दूंगा SNN फिल्म्स को और स्पेशली सोहन उनियाल जी को, जिन्होंने इतनी बढ़िया मूवी का ट्रेलर आज लॉन्च किया है। उम्मीद है कि मूवी भी बहुत अच्छी होगी और हम ज़रूर जाएंगे, 16 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि मूवी में हमारा पहाड़ी दृश्य बहुत है और स्पेशली पहाड़ी गाना भी, तो एक हिंदी मूवी में पहाड़ी गाना है तो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने जैसे कि अभी स्टेज से भी कहा था कि मैं इस धागे फिल्म से मैं शुरू से लेकर अभी तक लिपटा हुआ हूँ इस धागे में, और मैं शुरू से ही मैंने इस सारा मैनेजमेंट सारा मैंने ही किया है, इस फिल्म को शूट भी मैंने करवाया है। ठीक
ठीक है ना, तो एक बहुत अच्छी फिल्म बन गई है और इसमें जितना भी जो पहाड़ का कल्चर दिखाने की कोशिश की हुई है वो तो बाहर का डायरेक्टर था, ये सब हमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमने कहा है कि हमारा कल्चर होना चाहिए इसमें या जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो हमारे सजेशन से ही सही हुआ है। जैसे मैंने बताया था अभी मंच से भी कि डायरेक्टर के हिसाब से मैंने जो देखा है ट्रेलर, तो मुझे उसमें काफ़ी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। ट्रेलर तो अच्छा बना हुआ है, अब वो ऐसा होता ये है कि ट्रेलर तो एक पार्ट होता है, एक मिनट दो मिनट तीन मिनट का पार्ट। हाँ, और फिल्म जो होती है दो घंटे ढाई घंटे की होती है, तो वो फिल्म देख के पता चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेलर से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कॉस्ट्यूम भी है उसमें पहाड़ी कॉस्ट्यूम भी उन्होंने पहना है, ग्लूबंद वगैरह जो हमारे यहाँ बहुत ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है हमारा, और उसमें डायलॉग्स भी मुझे अच्छे लगे और उनके जो शॉट्स हैं जो एंगल ले रखे उन्होंने एंगल हैं वो भी अच्छे हैं, तो कैमरा वर्क भी अच्छा है और जो हमारे यहाँ जो सीनरीज हैं जो क्या बोलता है लोकेशन है लोकेशन भी बहुत अच्छी है और आर्टिस्टों की एक्टिंग भी मुझे अच्छी लग रही है। तो मुझे लगी अगर इसका ढंग से जैसे प्रमोशन हो रहा है और लोग इसमें जाना शुरू करेंगे, असल में क्या होता है कि फिल्म बनाना तो हम जानते हैं दोनों भाई कि फिल्म बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिल्म को चलाना इतना मुश्किल है। अब वो उसकी स्ट्रेटेजी है कि क्या फिल्म चलाने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, नहीं तो ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है मुझे लग रहा है और फिल्म अच्छी चलेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि सोनू निहाल जी जो हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और उत्तराखंड की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, ये वैसे तो बॉलीवुड की मूवी है लेकिन इस पूरी मूवी में पहली बार उत्तराखंड का एक गाना गढ़वाली गीत आ रहा है, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ यहाँ का कल्चर बहुत कुछ दिखाया गया है और हम स्थानीय कलाकारों के लिए जो हम लोग यहाँ पर बरसों से हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग के लिए रास्ते खुलेंगे बॉलीवुड के, और बहुत अच्छी बात है और मैं बड़ा खुश हूँ उस गाने को गढ़वाली गाने को देखे जो हेमा नेगी करासी जी ने गाया उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बाकी मैं चाहता हूँ कि 16 सितंबर को सभी लोग इस मूवी को ज़रूर देखें और इस मूवी को बिगेस्ट हिट बनाएं। बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मतलब धागे मूवी जो है वो एक बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, अभी प्रमोशन हो रहा है इसका काफ़ी अच्छे लेवल में प्रमोशन हो रहा है, ऐसी हमारी उत्तराखंडी मूवीज़ का भी प्रमोशन हो और उत्तराखंडी मूवीज़ को भी हम लोग इसी तरह से प्रमोट करें तो बहुत अच्छी मतलब एक अच्छा लेवल क्रॉस करेगी हमारी उत्तराखंडी मूवीज़, और इसमें काफ़ी मतलब अच्छा कल्चर वगैरह भी दिखा रखा है हमारे धागे मूवीज़ में, तो मैं सोहन उनियाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा है। सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार, और आज हम आए हैं धागे मूवी के ट्रेलर में। मैं सोहन उनियाल भी है जो इसके प्रोड्यूसर है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ इस मूवी के लिए। सबसे बढ़िया ये है कि इसमें हमारी उत्तराखंड की जो खूबसूरती उसको दर्शाया गया है और स्पेशली गढ़वाली सॉन्ग से शुरुआत की गई है। बाकी माता रानी से ये प्रार्थना करूँगी फिल्म खूब सुपर डुपर हिट जाए और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सबसे पहले तो संवाद चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि जिन्होंने अपने मंच पे बोलने का मौका दिया और उसका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे खास बात मुझे उसमें ये लगी उन्होंने एक गढ़वाली गाना जो बहुत अच्छा मतलब हमारे कल्चर पे बनाया है कि जो आज पलायन हो रहा है हमारा गढ़वाल उस पर उन्होंने वो गाना उसमें लिया है, तो बहुत अच्छा लगा। और ट्रेलर देखने के बाद ट्रेलर इतना अच्छा लग रहा है तो पूरी मूवी तो बहुत अच्छी होगी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सोहन उनियाल भाई जी को जिन्होंने मतलब गढ़वाली हो के मतलब हिंदी मूवी बनाने के बावजूद भी गढ़वाल में शूट किया है उसे, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सादर प्रणाम सभी दर्शकों को, संवाद 365 के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और फिल्म जो है बहुत अच्छी फिल्म है और बेसिकली जो है इन्होंने हमारे देहरादून में चक्रौतों में इस फिल्म को दर्शाया है, तो कहीं ना कहीं वो हिंदी मूवी ज़रूर है लेकिन उसमें फिल्मांकन जो है पूरा उत्तराखंड का हुआ है, और फिल्मांकन अगर हमारे यहाँ पे जितने लोग आएंगे फिल्म बनाने के लिए तो होगा क्या कि जो रोज़गार के अवसर हैं वो बढ़ेंगे। और सोनू लियाल जी ने जैसे कहा कि भाई मंच के माध्यम से कि मैं आगे जो हूँ मतलब अपनी संस्कृति के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, बस सिर्फ आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिल्म देखने आओ। 16 तारीख को फिल्म रिलीज़ होगी, ट्रेलर बहुत सुंदर है, पहला प्यार फिल्म का जो मतलब प्रमोट जिसमें है वो पहला प्यार के ऊपर वो बनाया गया और फिल्म का नाम धागे है, बहुत अच्छी फिल्म, जो मैंने उसका ट्रेलर देखा बहुत अच्छा ट्रेलर है, और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप इस फिल्म को हिट बनाएं और मुंबई तक इस फिल्म को पहुँचाएं ताकि ऐसे निर्माता उत्तराखंड में और भी आएँ और हमारी इंडस्ट्री को एक मतलब मजबूत स्तंभ बने। मैं तो पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाह रही हूँ, और बेसिकली जो मैंने उस ट्रेलर में देखा है कि उत्तराखंड बेस्ड पे पूरी फिल्म शूट हुई है, उत्तराखंड में शूटिंग हुई है, और सबसे
बड़ी बात यह है कि पहली दफ़ा, मुझे लगता है कि पहली दफ़ा फिल्मी इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि हिंदी मूवी में गढ़वाली सॉन्ग है, और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हाँ, ये क्योंकि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को कहीं ना कहीं बचाने की ये टीम पूरी जो जिन्होंने धागे फिल्म बनाई है वो काम कर रही है, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये उत्तराखंड में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं है, आने वाले समय में इस तरह की फिल्में पूरे वर्ल्ड में फेमस होंगी। पहले तो सभी व्यूवर्स को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आज का ट्रेलर देख के, क्योंकि इसमें जैसे हमने सुना, सबने कहा कि इसमें है हिंदी फिल्म, पर इसमें जो आत्मा है, जो रूह है, वो उत्तराखंड की। इसमें आप उत्तराखंड के कॉस्ट्यूम्स, उनका पहनावा, वहाँ के लोग, वहाँ के हालचाल, वहाँ का माहौल, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, कि इसमें हमारा पहाड़, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति दिखाई देगी कहीं ना कहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े पर्दे में उत्तराखंड का पिक्चराइजेशन हो रहा है, उत्तराखंड में आके शूटिंग हो रही है यहाँ पे। और जो ओपनिंग सॉन्ग है वो एक पहाड़ी गीत है, मतलब काफ़ी फोक, और उसको सुन के मतलब इतना अच्छा लगा कि हमें वो गाना बड़े पर्दे में देखने को मिलेगा। तो मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगी कि आप सब भी जाइएगा और इस मूवी को सपोर्ट कीजिएगा, और हम भी हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जितनों तक इसको हम शेयर कर सकते हैं हम करेंगे। धन्यवाद। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ दिव्यज बहुगुणा की रिपोर्ट।